अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा बटेरों पे होने वाला है। तो मैंने आपको ये बताना था कि तकरीबन 1.5 महीने हो गए इन्होंने, जब हमारे 25-30 अंडे ख़राब हो गए थे बारिश की वजह से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अब 1.5 महीने के बाद इसने अंडे रोक दिए थे, अब 1.5 महीने के बाद जो है ना इसने अंडे देना शुरू कर दिए। ये देखें ज़रा, ये जी इनके अंडे, ये देखें, ठीक है, 3 अंडे इसके पड़े हुए हैं। और ये आप देख रहे हैं, जो मेरे पास एक ब्राउन कलर का चूज़ा था ना, तो उसके साथ इसकी लड़ाई हो गई थी, तो उसमें जो थी इसकी चोंच टूट गई थी। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें आपको इसकी जो चोंच है ना वो टूटी हुई नज़र आ रही होगी। ये देखें बिल्कुल, मैं ज़रा फोकस करके दिखाता हूँ आपको, और इसलिए इसकी चोंच आपको टूटी हुई नज़र आ रही होगी। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इनकी फीड की, फीड में मैं क्या खिला रहा हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने इनको चावल डाले हैं उबले हुए, बड़े ही शौक से खाते हैं मेरे दूसरे परिंदे भी और ये भी, ठीक है। तो आप ये इनको लाजमी डालें चावल, और इसके अलावा आप बाजरा भी दे सकते हैं। और इनकी फ़ीड आती है एक 14 नंबर फ़ीड, आपको किसी भी बर्ड शॉप से मिल जाएगी, वो भी आप इनको दे सकते हैं, ठीक है। उनसे जो है ये अंडे ज़्यादा देते हैं, ठीक है। अगर एक दिन छोड़ के एक दिन दे रहे हैं तो उससे रोज़ देना शुरू हो जाएंगे अंडे। लेकिन मैं इनको फ़ीड नहीं खिला रहा, क्योंकि ना मुझे अंडों की ज़रूरत ना मुझे बटेरों की ज़रूरत। ये तो मैंने एक शौक के तहत मैंने यहाँ पे रखे हैं, जो भी यहाँ पे बाजरा वगैरह बिखर जाता है तो ये उठा के खा लेते हैं, मतलब कुछ ज़ाया नहीं होता। और अंडे भी ये दे ही जा रहे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मैं इन अंडों का क्या करूँ, क्योंकि पिछली बार हमारे 25 से 30 अंडे देते थे, वो इसीलिए ख़राब हो गए थे कि हमने उनका कुछ करा ही नहीं था, ऐसे के ऐसे पड़ गए थे वो बारिश की वजह से सारे ख़राब हो गए। तो 25 से 30 अंडे, ठीक है, मायने रखते हैं 25 से 30 अंडे वो हमारे ख़राब हो गए थे। और दोस्तों, आज भी बारिश वाला बिल्कुल मौसम हुआ हुआ, तो इनका मुझे इंतज़ाम करना पड़ेगा कि इन अंडों का मैं क्या करूं। तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि इनमें इसमें से हम बच्चे निकलवाएं या ना निकलवाएं। मैं निकलवा भी सकता हूं इनमें से बच्चे, किस तरीके से, डव के नीचे रख के। अगर ये अंडे देंगी तो मैं उनके अंडे उठा के इसके 2 अंडे रख दूँगा, उनके 2 अंडे उठा के इसके 2 अंडे रख सकता हूँ, फिर वो बच्चे भी इंशाल्लाह उसमें से निकल सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं ये करूं कि नहीं करूं एक्सपेरिमेंट। तो उसके लिए मैं अलग-अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो फिर मैं ये नहीं करूंगा कि मैंने इस पर वीडियो बनाई कि दोस्तों मैं ये अंडे अपने डव के नीचे रख रहा हूं, तो देखते हैं इनमें से बच्चे निकलते हैं, ऐसे नहीं करूंगा मैं। अंडे रख के पूरी जब वीडियो पूरी बनाऊँगा, जब बच्चे भी निकल जाएंगे, फिर एक मतलब कि जो कन्फर्म वीडियो होती है ना वो हमारी तैयार हो जाएगी, फिर वो मैं एक दफ़ा ही अपलोड करूँगा, आप तक पहुँचा दूँगा, फिर वो इनशाला आप तक पहुँचेगी। तो फिर देखेंगे कि इनमें से अंडों में से इनका अंडों का क्या होता है। फ़िलहाल अभी तो ये अंडे ऐसे ही पड़े हुए हैं, इकट्ठे हो जा रहे हैं, अभी तो फ़िलहाल 3 अंडे हैं। एक और अंडा था वो वहाँ पे पड़ा हुआ था, वहाँ भी अंडा पड़ा हुआ था, तो तब इनका ही मैंने घोंसला नहीं बनाया हुआ था, ये सारा मैंने हटा दिया था, क्योंकि अंडे ही रोक दिए थे बटेर ने। तो वहाँ से वो अंडा पानी लग लग के वो सारा ख़राब हो गया, वो मैंने निकाल दिया। तो मैंने कहा चल अंडे दे रहे हैं इनके लिए, मैं दोबारा से ये अपना नेस्टिंग इनका बॉक्स लगा देता हूँ। तो ये मैंने फ़िलहाल टाइलों का बना दिया, और ये बिल्कुल फर्टाइल एग्स हैं, ये देख सकते हैं आप, मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह से 3 अंडे इन्होंने दिए हैं, ये देखें, ठीक है, 3 अंडे हैं ये। तो अभी मैंने इसमें जो है वो घास ला के भी डालनी है। अब ये फ़िलहाल मैंने आरजी तौर पर बनाया है, इसके नीचे अभी मैं टाइलें लगा के उसके ऊपर फिर थोड़ा ऊंचा करूँगा, क्योंकि बारिश का पानी जब यहाँ से आता है तो अंडों को लग लग के जाता है, इसलिए अंडे हमारे ख़राब हो सकते हैं। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लाजमी बताएं कि मैं इन अंडों का करूँ क्या, एक मैं इन डव को सॉरी इन अंडों को डव के नीचे रखूँ या ना रखूँ, आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। दोस्तों, उसमें ये जैसा कि मैंने आपको बताया था, बच्चे कुछ निकले हुए हैं, ये 4 बच्चे। तो अब फीमेल दोबारा अंडों पर आ गई है, ये वाली, ठीक है, वो वहाँ पे नेस्ट कर रही है, हो सकता है इसने अंडा दिया हो, क्योंकि आजकल में ये अंडा देने वाली है, मैं देखता हूँ। तो दोस्तों, नेस्टिंग तो काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है, लेकिन अभी तक अंडा नहीं आया, हो सकता है कि आज रात तक दे दें। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके नीचे बटेर के अंडे रखूँ, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, क्योंकि फिर हम इसके ये 2 ही अंडे देते हैं, 2 अंडे उठा के हम बटेर के 2 अंडे रख देंगे, फिर उसमें से देखेंगे कि बच्चे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मैं इस तरीके से करूं या ना करूं, क्योंकि जो आप कहेंगे उसी तरीके से करेंगे हम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
ताकि वो आने वाली वीडियो को पहुँच जाए। अगर आपका किसी भी किस्म का सवाल है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।